एप्लीकेशन पे मनी को दिया है और वो अलॉटमेंट पे या फिर यूं कहूँ तो वो किसी सब्सिडियरी कॉल्स पे आ करके जो रिमेनिंग अमाउंट थी उनको देने से वो नाकार देता है, तो हम उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा कॉल्स इन एरियर पे। अगर कंपनीज ने जो कॉल किया है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को, और उस पर अगर कोई एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर या कुछ भी जो नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर आपके होते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन पे दिया है, अलॉटमेंट पे उन्होंने अपने अमाउंट मनी को पे किया है और कॉल्स पे आकर के अगर वो अटक जाते हैं तो हम लोग उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। उसके बाद कंपनीज के पास में क्या क्या ऑप्शंस होती हैं अवेलेबल, या तो वो जो अमाउंट उन्होंने पहले रिसीव करा है उन शेयर होल्डर्स पे एप्लीकेशन के समय में उसे वो सीज कर ले और फिर से न्यू शेयर्स को रीइश्यू कर दे, मतलब उतनी ही शेयर्स को वो चाहें तो फिर से रीइश्यू कर सकते हैं मार्केट में, और उससे पहले उनको जो नंबर ऑफ शेयर्स जिसपे उन्होंने एप्लीकेशन मनी रिसीव करा है, जो अरियर वाली जो आपकी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थी उनको वो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सीज करते हैं और उसे हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक झलक कि अगर आपके कंपनीज को किसी एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स पे अलॉटमेंट के केस में या कॉल्स के केस में अगर मनी रिसीव नहीं होती है तो वो उसे कैसे दिखाते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर आपने मेरे इश्यू ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन अगर आपने नहीं देखा है, यू कैन गो टू माय पोर्टल इन माय प्लेलिस्ट एंड यू कैन सर्च देयर फॉर माय प्रीवियस वीडियो ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर, वीडियो नंबर 10, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें तो आई थिंक बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि मैं समझा पाऊँ और समझ पाएँ। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपके किसी पार्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स पे कंपनीज ने अमाउंट को रिसीव नहीं करा है उन्होंने कैसे इसे जर्नल एंट्री में सबसे पहले दिखाया है। सपोज कि हमारे पास में हमारी कंपनी की जो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है वो है ₹3 पर शेयर एंड जो उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स को इश्यू करा था वो था 1000 शेयर्स, सब्सक्राइबर 100 शेयर का एक होल्डर है, शेयर होल्डर है, और वो अलॉटमेंट के केस में आकर के रुपया नहीं दे पाता है। तो पहले तो आप ड्यू जो दिखाएंगे वो ड्यू मनी क्या होगी वो देखिए। सबसे पहले जो हम लोग दिखाएंगे ड्यू पे कि अलॉटमेंट के केस में आपकी 1000 नंबर ऑफ जो शेयर कंपनी ने इश्यू करा था ₹3 अलॉटमेंट के केस में उनकी फेस वैल्यू थी तो कंपनी को रिसीव कितनी करनी थी, ₹3000 एज पर ₹1000 एट द रेट ऑफ ₹3 ईच। भाई मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप तो जानते ही होंगे, बस मैं आपको रिकैप करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, नरेशन आप खुद लिख लेना ओके। अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं नेरेशन के बारे में बता दूंगा, नेरेशन कोई खास बड़ी चीज नहीं है। लो अब क्या है कि 100 शेयर होल्डर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 100 नंबर ऑफ शेयर का एक होल्डर था और वो क्या करता है कि वो अलॉटमेंट पे रुपया देने से इनकार कर देता है, तो कितनी आपकी जो मनी होगी वो आपने रिसीव नहीं करा है तो हो जाएगी ₹300। कैसे? तो भाई 100 आपके शेयर, 100 का वो मालिक था और वो ₹3 के हिसाब से रुपया नहीं दे रहा है और बाकी जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने वहां पर रुपया दिया है, तो यहां पर क्या होगी कि आपके लिए एक लॉस है और लॉस को आप डेबिट करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा आपके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट ₹300 एज 100 शेयर इंटू ₹3 ईच एंड देन बैंक अकाउंट को मैंने यहाँ पर डेबिट करा है ₹2700 से, क्योंकि आपने ₹2700 ही यहाँ पे रिसीव करा है। एक्सेप्ट दिस 100 शेयर, ऑल दिस शेयर होल्डर्स दे पेड द अमाउंट विच वर ड्यू ऑन अलॉटमेंट रेस्पेक्टिवली एंड उसको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शेयर फॉरफीचर के बारे में। कंपनीज क्या करती हैं कि भाई 100 कंपनीज क्या करती हैं
कि भाई देखो 100 शेयर पे तो रुपया आया नहीं, अब करेंगे क्या, तो उनको आप सीज कर लो जो एप्लीकेशन पे उस से 100 शेयर 100 शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स थे, जितना उन्होंने एप्लीकेशन पे दिया है उनको तो एटलीस्ट तुम शेयर सीज कर सकते हो। सीज करने के बाद उन्हीं शेयर्स को वापस से मार्केट में जाओ, उनकी कॉल वैल्यू रखो और उसके बाद तुम वापस उसको रीइश्यू कर दो। तो सबसे पहले वो फॉरफिट जो करने जाएंगे कंपनी वाले, वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी जर्नल एंट्री के थ्रू दिखाएंगे कि उन्होंने उन शेयर्स को फॉरफिट किया है, कहने का मतलब सीज किया है। फॉरफिट का सिनोनिम कह लो या भाई कह लो, बंधु कह लो, जो बोलो, वो क्या है आपका, सीज। सीज करना मतलब कि उन शेयर्स को, अब उन शेयर्स की जो एप्लीकेशन मनी या फिर अलॉटमेंट मनी जो कि उन शेयर होल्डर्स ने आपको पे करा था और वो कहीं ना कहीं आगे जा करके फेल हो गए या फंस गए, नहीं दे पाए आपको, तो उसके लिए आपने उनको सीज करा है। एंट्री आप क्या पास करते हैं देखो, तुम करते क्या हो, जो शेयर 100 शेयर के जो मालिक थे उन्होंने एप्लीकेशन पे आपको रुपया दिया ही है, वो अलॉटमेंट पे आकर के फेल हो जाते हैं उन रुपयों को पे करने के लिए जो उनके उनके पास में ड्यू थी। तो आप ये देखेंगे कि वो पहुंच कहाँ तक रहा है, जहां तक वो, जहां पे वो फेल हो रहा है वहां तक आप एटलीस्ट आप उनकी फेस वैल्यू को जोड़ लो, मतलब एप्लीकेशन तक वो दे चुका था, अलॉटमेंट तक वो पहुंच चुका था। इसीलिए आप जो एंट्री करोगे फॉरफीचर के लिए वो आप यहाँ पे लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर का तो वो मालिक था भाई, और उसके पास में एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। सपोज कर लेता हूं कि अगर वो एप्लीकेशन पे 2 रुपए से पे कर रहा था या किया है, या और अलॉटमेंट पे तो आप जान ही रहे हो 3 रुपए के हिसाब से पे कर रहा था, फेस वैल्यू अलॉटमेंट की क्या थी, 3 रुपए इच। तो यहां पर क्या हो जाएगी, टोटल जो आप सीज करोगे वो वहां तक की वैल्यू को रिसीज करोगे जहां तक वो अप्रोच कर रहा था। ये मैं अभी पार के बारे में बता रहा हूँ, प्रीमियम के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है प्रीमियम को लेकर के, बहुत ज्यादा बड़े आप इश्यू बना देते हो उसको ले इसको लेकर के कि अगर प्रीमियम पे होता है और प्रीमियम पे ही अगर वो अमाउंट देने से इनकार कर देता है तो हम लोग उसको सर फॉरफिट कैसे करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, पहले आप पार सीख लो बाद में प्रीमियम बता दूंगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, 5 रुपए से इसको सीज करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि शेयर कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट आपने पहले क्या दिखाया था, ट्रांसफर किया था एप्लीकेशन मनी को, या फिर आपने अलॉटमेंट की जो मनी आपने रिसीव करी है और वहां पर आपने कॉल्स इन अरियर भी दिखाया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, उसको डेबिट कर देंगे 100 रुपये, 100 शेयर्स इंटू 5 रुपीज, जहां तक वो पहुंच रहा है, 2 रुपये एप्लीकेशन के, 3 रुपये अलॉटमेंट तक के। कॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल्स की अगर, कॉल्स में अगर वो फेल होता तो हम लोग कॉल्स तक पहुंच पाते हैं और वो कॉल्स तक की हम लोग सभी सारे फेस वैल्यू को यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। इसीलिए आगे टू शेयर फॉरफिट अकाउंट मतलब कि वो बंदा कहाँ पे मतलब कि मना कर देता है रुपए देने से, वो बंदा मना कर देता है आपको अलॉटमेंट तक, अलॉटमेंट पे वो रुपया देने से इनकार करता है, मतलब उसने एप्लीकेशन की मनी आपको दी है। इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट करके उसे हम लोग सीज करेंगे। इट विल बी 100 शेयर्स इनटू ₹2 जो उसने पे किया है एप्लीकेशन की। इसीलिए और टू कॉल्स इन एरियर, जैसा कि आप जानते हो वहां भी 300 रुपए थे, यहाँ भी आपके 300 रुपए है, कैसे आए, जो कि उन्होंने आपको नहीं दिया है, 100 × 3 = ₹300, और इसने ये दिखाया है यहाँ पर अपने जर्नल एंट्री में कि कंपनीज ने कि उनकी 500 रुपीज तक की क्या थी सर, वो ड्यू वैल्यू थी, उसे उस शेयर होल्डर को देना था, उसने दिया कितना, 200 दिया, 300 उसने नहीं दिया, इसलिए उसकी जो पार्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स है उसे कंपनी ने सीज कर लिया है। आगे मैं बता रहा हूँ कि अगर कंपनी ने उन शेयर्स को सीज किया है और चाह रही है कि उसे मैं रीइश्यू करूँ मार्केट में फिर से कुछ नई फेस वैल्यू के साथ, तो मैं कैसे करूँ, तो चलिए मैं बताता हूँ ऐसा कैसे करती है कंपनी ने कर रखी है अपने शेयर्स को रीइश्यू, और अब आपको कहा जा रहा है कि अब आप जर्नल में दिखाइए कि कंपनीज ने जिन शेयर्स को सीज किया करा था उनको उन्होंने कितने रुपए की फेस वैल्यू से वापस से मार्केट में जा करके रीइश्यू करा है। रीइश्यू मतलब फिर से उन्होंने उन्हीं शेयर्स पे रुपयों को रिसीव करा है जिनको उन्होंने पहले सीज करा था, ठीक है। तो अब देखिए कि अगर आप उनको रीइश्यू करते हैं, और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि कंपनी उनको रीइश्यू करती है 4 रुपए के
पर शेयर के हिसाब से, 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उन्होंने मार्केट में उन्हीं शेयर्स को री इश्यू करा है। आप जान रहे हो 2 रुपए एप्लीकेशन की हुई, 3 रुपए अलॉटमेंट की हुई, टोटल वो अप्रोच कहां तक कर रहा था, 5 रुपए तक। कंपनी ने उन 5 रुपए के शेयर्स की वैल्यू की, अभी जो नई वैल्यू रखी है वो रखी है 4 रुपए। मतलब कि 4 रुपए अगर मैं कम पे बेचूं तो हो सकता है कि हमारे सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर आकर के रुपया देने के लिए तैयार भी हो जाए, यही बात होती है। इसी मोटो से कंपनी क्या करती है, कुछ डिस्काउंट में ही लोगों को शेयर को इशू कर देती है। देखो भाई, प्रॉफिट तो उनको पहले भी हो रही थी, 300-200 रुपए तो उनको पहले ही रिसीव हो चुका था एप्लीकेशन के समय। अभी जो अगर वो 4 रुपए पे अगर इशू कर भी दें तो उनको जो अमाउंट आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उनका छुपा होगा ही ना। इसीलिए हम लोग पहले देखते हैं कि जब हम लोग रीइश्यू करते हैं तो क्या होगी कि बैंक अकाउंट हो जाएगी डेबिट 4 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर पे आपने कितने रुपए आपने रिसीव करा, तो बैंक अकाउंट हो जाएगी आपकी 400 रुपीज, और आपके यहाँ पर फोरफीटेड शेयर अकाउंट हो जाएगी डेबिट 100 रुपीज से, क्योंकि ये आपकी हो रही है यहाँ पे लॉस। लॉस कैसे, देखिए 5 रुपए के हिसाब से आपको आपने सीज करा था फर्स्ट एंट्री में, नहीं हुआ तो आप रिकैप करके देख लो, 5 रुपए के हिसाब से आपने उसको करा सीज, आपने उसे रीइश्यू करा 4 रुपए ईच, होगा क्या, 1 रुपए की तो वैल्यू कट गई, 1 रुपए इधर हो गए, 100 शेयर उधर हो गए, 100 × 1 100 × 1 = ₹100, जो कि आपकी डिस्काउंट की यहां पर आ गई बात, और उसको आप कर देंगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट। आई बात समझ में, नहीं आई तो कॉमेंट करना भाई, ठीक है, मैं अलग तरीके से फिर से बताने की कोशिश करूंगा आपको। आगे आपने उन शेयर्स की जो वैल्यू रिसीव करी उस पे क्या हुआ कि आपको हुआ कुछ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे हुआ, देखिए इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा साधन, मतलब सीधा सा साधा सा साधारण सा मैं आपको उपाय बताता हूँ। करना क्या है आपको, पहले आप लिख दो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ फोरफिटेड, आपने कितना सीज किया 200, कितने नंबर ऑफ शेयर्स को किया 100, रीइश्यू कितना किया 100, यहाँ पे ये कर लोगे, उसके बाद माइनस आपने डिस्काउंट कितना दिया, ये हो गया यहाँ पे 100 रुपीज ये वाली, ठीक है। देख लो फिर से रिकैप करने के लिए, 200 रुपए आपने सीज किए एप्लीकेशन वाली, कितने नंबर ऑफ शेयर्स को आपने सीज किया 100, रीइश्यू कितना किया फिर 100। आप बोलोगे भाई केस तो बहुत सारी अटपटी केसेस दी रखी है आपने आपके टीएस ग्रेवाल की बुक में एक्सरसाइजेस में, अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज की किसी प्रॉब्लम में भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लिंक में या फिर मेरे जो वीडियोस हैं कमेंट सेक्शन में तुम लिख के भेजो क्वेश्चन नंबर, मैं उसको डील करूंगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आपकी हो गई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड आपकी 100 और डिस्काउंट आपने दिया 100, देखो ये 100 और 100 तो हो गई कैंसिल, 200 ये रुपए आपके 200 रुपए हो गए इधर 200, और ये आपका सब्ट्रैक्टेड 100 रुपीज प्रॉफिट, मतलब कि डिस्काउंट पे भी रीइश्यू करने के बाद आपको प्रॉफिट हो रही है 100 रुपए की, ठीक है। हम लोग यहाँ पर फोरफीचर अकाउंट में हम लोग डालेंगे 100 रुपए और यहाँ भी 100 रुपए और ये चली जाएगी आपकी कैपिटल रिजर्व के हेड में। तो दोस्तों आज हम लोग यही पढ़े हैं कि कॉल्स इन अडियर होगी तो क्या दिखाना है, अगर वो कंपनी उनको रीइश्यू कर रही है तो उनकी प्रॉफिट होती है उनको कैसे दिखाना है, और आई थिंक कि नहीं 100% तो 80% तो थोड़ा भी क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो आप अपने रेस्पॉन्स को कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर भेजें, और अगर कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही है किन्हीं क्वेश्चन को लेकर के किसी एक्सरसाइज की किसी अदर बुक की तो आप वो भी मुझे आपके क्वेश्चन नंबर आप वो लिंक में भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम बहुत नज़दीक है तो मैं चाह रहा हूं कि कंपनीज की जो एनालिसिस आपकी जो पार्ट है उसको भी मैं जितनी जल्दी हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँ। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हमारे एनालिसिस बुक के ऊपर में, क्योंकि फोरफीचर तो आप समझ ही गए हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ एनालिसिस की भी मैं कुछ चैप्टर्स को डील करूँ, और मैं इसके बाद जो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी लेंथी चैप्टर है जो कि दिखने में बड़ी शॉर्ट लगती है लेकिन जब आप बनाने बैठते हो तो लगता है कि अरे ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा है,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं बताऊंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है बिना आपसे पूछे, और आप देखना कि उनको चुटकियों में कैसे सॉल्व किया जाता है, और आप याद कैसे रख सकते हो उन्हें अपने होल लाइफ के लिए। कभी आप भूलने वाले नहीं हो, सिर्फ ये मत सोचना कि आप एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहे हो, इसे ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको पूरी लाइफ याद रहे और आप किसी और को भी समझा सको, ज्ञान बांट सको। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर नेटिवंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।